वेलकम यू टू एवरीवन इन इवेंट न्यूज। एंड सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट विशेस। आप सभी ने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी विशेस दी, थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज के ऊपर जो आ रही है दिल्ली से, और ये थोड़ी बैड न्यूज है। इसके अंदर यह है कि हमारी 25th की मतलब क्रिसमस की और हमारी न्यू ईयर की गैदरिंग के ऊपर रोक लगा दी है दिल्ली सरकार ने, क्योंकि कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट आ चुका है और वो चाहते हैं कि वो ये केसेस ना बढ़े। और अभी हेल्थ मिनिस्टर की भी कुछ ऐसी सी रिपोर्ट आई है। अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे। अगर आप चाहते हो कि 2022 अच्छे से जाए तो मेक श्योर आप सब मास्क लगाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोरोना वायरस ने किसी को देना है तो वो इवेंट प्लानर और इवेंट इंडस्ट्री को देने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारी वेडिंग न्यूज की। पहली न्यूज आ रही है वेडिंग इंडस्ट्री से, और उसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फैंसी बनो बट इतने भी फैंसी मत बनो कि किसी दूसरे की शादी में लैंड करके किसी तीसरे से आप शादी कर लो। तो हुआ ये है कि आप देख ही रहे होगे कि यहाँ पे एक दुल्हन ने पैराग्लाइडिंग करते करते किसी दूसरे के मंडप पे लैंड कर लिया और उसी से शादी कर ली। तो ये काफी शॉकिंग न्यूज है, बट हाँ ठीक है, ऐसा भी होता है। आप यहाँ पे दुल्हन की माँ का डांस तो देखो, अब आप ये वेडिंग देखो। नजारा गुजरात के सावरकुंडला तालुका के दिथला गांव का है। यहाँ पारंपरिक रूप से सजी हुई बैलगाड़ियों में बारात निकाली गई। एक्चुअली पीपल लाइक दिस काइंड ऑफ वेडिंग। ऐसी 9 बैलगाड़ियाँ बारात को लेकर दिथला गांव से नेसड़ी गांव पहुँची। बैलों और गाड़ियों को हाथ से सिली हुई साड़ियों, मोतियों और डिजाइनर घुघरा से सजाया गया था। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? एक लास्ट टॉपिक, अभी गवर्नमेंट में रूल है 18 साल से लेके 21 साल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं लड़कियों की एज, मैरिज एज को, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हो वो कमेंट्स में जरूर बताओ, और हमें भी पता चले कि आपकी क्या राय विचार है। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज में, और मे बी हम ये न्यूज जनवरी में डालें या दिसंबर में, जैसा आपको सही लगे वैसा आप बताना। और बहुत जल्दी हम इंस्टाग्राम में लाइव आने वाले हैं और यूट्यूब पे भी लाइव आने वाले हैं। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं हम अपने लाइव सेशन में।